नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स के दोनों टॉपिक दोनों पार्ट हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल के कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ा, एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो हम लोगों ने करंट अफेयर्स में अभी तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड और इसके साथ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के दोनों वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्पोर्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रैंड स्लैम। ठीक है, ग्रैंड स्लैम जो लॉन टेनिस का होता है। ठीक है, आज हम लोग जो बात करेंगे ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस का। ठीक है, जैसा कि मैं बता दूं कि ग्रैंड स्लैम जो होता है लॉन टेनिस का, उसके चार टूर्नामेंट होते हैं। कौन कौन होते हैं लाइंस याद रखिएगा, ये लाइंस होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। मैं यहां पर नॉमिनेट कर दे रहा हूं, डिनोट कर दे रहा हूं। तो पहला जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, इसका वेन्यू और इसका ग्राउंड साथ में हम लोग देखते चलेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां पर होता है, ऑस्ट्रेलिया में, और इसका जो कोर्ट होता है वो होता है हार्ड कोर्ट। ठीक, इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट, और ये कब होता है तो मिड जनवरी में, अक्सर ये मिड जनवरी में होता है। लेकिन अगर किसी तरह का पैंडेमिक हो जाए, जैसे कोरोना वगैरह का पैंडेमिक अभी चल रहा है, तो इसके कारण से इसको आगे पीछे भी किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, और ये फ्रेंच ओपन कहां पर होता है, फ्रांस में, और ये किस कोर्ट में होता है तो ये इसका जो कोर्ट है वो होता है क्ले कोर्ट। ठीक, और ये होता है आपके मई जून में, मई जून, मई या जून में इसको कंडक्ट करवाया जाता है। थर्ड जो है आपका विंबलडन ओपन, और ये कहां होता है तो ये होता है यूके में। ठीक है, और इसका जो कोर्ट है वो होता है ग्रास कोर्ट। ठीक है, ग्रास कोर्ट दिखाई दे रहा है, हाँ, ये तीन हो गया। और जो चौथा है यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, फोर्थ पॉइंट जो है वो है आपका यूएस ओपन, यूएस ओपन, और ये कहां पर होता है तो ये होता है यूएसए में। ठीक, यूएस ओपन कहां होता है, यूएसए में है, और इसका जो कोर्ट है इसका भी जो है हार्ड कोर्ट ही है, हार्ड कोर्ट। तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, सबसे फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन जो सबसे पहले होता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है और ये हार्ड कोर्ट में होता है। इसके बाद ये मिड जनवरी में होता है, फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो ये फ्रांस में होता है, और इसका जो होता है क्ले कोर्ट। विंबलडन ओपन की बात करें तो ये होता है यूनाइटेड किंगडम में, होता है ग्रास कोर्ट में, और एक लास्ट जो यूएस ओपन बची है वो होता है यूएसए में, और इसका होता है हार्ड कोर्ट में। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही ये कितने कैटेगरी में खेला जाता है इसके बारे में मैं बता दूं, तो ये लगभग पांच कैटेगरी में खेला जाता है, मेन सिंगल, मेन्स डबल, ओमेन सिंगल, ओमेन्स डबल एंड मिक्स डबल। ठीक है, ये पांच कैटेगरी में इस टूर्नामेंट को खेला जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ग्रैंड स्लैम, देखिए पांच कैटेगरी में खेला जाता है, लेकिन हमको याद क्या करना है, मेन्स सिंगल और मेन्स ओमेन सिंगल में कौन जीता है और वो किसको हराया है और वो किस कंट्री के हैं, यहां तक हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये साल 2021 ग्रैंड स्लैम जो हुआ वो कौन जीता है।
एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो ग्रैंड स्लैम है आपको लग रहा हो कि ये 2021 का है और 2022 में हम लोग को पढ़ना है, तो क्या चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए पहला चीज तो ये पेंडेमिक चल रहा है, तो हो सके ये चारों टूर्नामेंट हो ही ना, ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज अगर होता भी है तो ये तो होता है आपका मिड जनवरी में, ये आपका चेंज हो सकता है, ये होता है आपका मई जून में, ये होता है जून जुलाई और ये होता है अगस्त सितंबर में, तो आपका जो पेपर होगा वो जून तक हो जाता है, तो जून तक हो जाता है तब तक ये विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन नहीं हुआ रहेगा। तो वैसे सिचुएशन में आपको एक साल का जब करंट अफेयर्स पूछता है तो ये फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन आने की संभावना इसी से चेंज नहीं होगा, और अगर रहा विंबलडन ओपन और यूएस ओपन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मेन फ्रेंच ओपन भी शायद वही रहे, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो अभी जनवरी आने वाला है तो चेंज हो सकता है। तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जब होगा तो आपको ये नाम को चेंज कर लेना है और अपडेटेड कर लेना है। अगर मैं अभी आगे जो नाम बताऊंगा कौन विनर है तो उसके नाम को हमको अपडेट कर लेना है, तो एक बार आपके दिमाग में प्रीव्यू रहेगा। और एक चीज ये भी हो सकता है कि शायद जो पिछले साल जीते इस साल भी वही जीत के आ जाए, तो इसलिए आपको याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको अपडेटेड भी रहना है करेंट अफेयर से। आप लोग इसको नोट डाउन करें, फिर मैं इसके विनर और लूजर के बारे में बताता हूं। इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं कि विनर और रनर कौन है, ठीक है, तो हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन का देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में इस साल का जो विनर है वो है नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच, और इन्होंने किसको हराया है, तो उनको हराया जिसे डैनियल मेडवेडेव। ठीक है, एक नाम ये अलग है और ये अलग है। तो मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच और किसको आ रहा है, डेनियल मेडवेडेव को। ठीक, और ये नोवाक जोकोविच किस कंट्री से हैं, तो ये है सर्बिया के, और डेनियल मेडवेडेव किस कंट्री से हैं, तो ये है रसिया से। सर्बिया का जो कैपिटल होता है वो होता है बेलग्रेड, और सर्बिया का जो करेंसी होता है वो होता है डिनार। रसिया का जो कैपिटल है वह मॉस्को, और रसिया का जो करेंसी है रूबेल। इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं हो तो। ठीक, ओमेन सिंगल की बात करें, ओमेन सिंगल में जो जीती है वो है नाओमी ओसाका। कहां की है, ये जापान की है, और ये किसे हराई है, ओमेन सिंगल की बात हो रहा है तो ये हराई है जेनिफर बार्टी को। जेनिफर बार्टी किस कंट्री से है, यूएसए। तो आपको याद रखना है मेन सिंगल में नोवाक जो को भी जीते जो सर्बिया के थे, और डेनियल मेडवेडेव रसिया के थे, और वोमेन सिंगल में जो जीते हैं नाओमी ओसाका जापान की हैं, और वे लूजर कौन है यानी रनर अप कौन थी, जेनिफर बार्टी जो यूएसए की हैं। इसके अलावा एक सेकेंड, दूसरा बात करते हैं हम लोग फ्रेंच ओपन का। फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन में इस साल का जो विनर है वो है नोवाक जोकोविच ही है। ठीक है, मैं नोवाक करके लिख दे रहा हूं, आप लोग पूरा नाम वहां से उतार सकते हैं। यही है नोवाक जोकोविच, और ये किसको हराई है, हराए हैं तो रनर अप जो है वो है स्टेफेनोस सिटसिपास। सिटसिपास कहां के हैं, ये ग्रीस के। ठीक, फ्रेंच ओपन में ये मेन है, मेन सिंगल, ठीक है, मेंस की बात हो रहा है। मेंस में जो जीते हैं नोवाक जोकोविच, और ये फाइनल में आ रहे हैं स्टेफेनोस सिटसिपास, ये ग्रीस के हैं, और नोवाक जोकोविच कहां के हैं, तो नोवाक जोकोविच आपको पहले बता दिए सर्बिया के हैं। इसके बाद
वोमेन सिंगल की बात करें वोमेन सिंगल में जो जीते हैं उनका नाम है बारबरा क्रेजी कोवा, बारबरा क्रेजी कोवा। और बारबरा क्रेजी कोवा किस कंट्री से हैं? तो बारबरा क्रेजी कोवा जो है वो चेक रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक। और चेक रिपब्लिक का कैपिटल क्या है? तो चेक रिपब्लिक कैपिटल है प्राग, और यहां का जो करेंसी है वो है कोरून। पर इतना आप लोग नोट डाउन करें। और वोमेन सिंगल में जो नोट डाउन आपको कर लिए होंगे, इसके बाद वोमेन सिंगल में जो जीती है उनका नाम है एनेस्टेसिया पाव ली। और ये किस कंट्री से है? तो एनेस्टेसिया पावली रसिया से है। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं बता रहा हूं। फिर से मैं बता देता हूं फ्रेंच ओपन के बारे में। फ्रेंच ओपन का जो मेंस में जो जीते हैं नोवाक जोकोविच, और ये किसको हरा है? स्टेफनोस सिटसिपास को। ये ग्रीस के हैं। वोमेन सिंगल की बात किया जाए तो बारबरा क्रेजिकोवा, और वोमेन सिंगल में जो फाइनल में जो हारी है रनर अप है वो है एनेस्टेसिया पावली। इसके बाद दो और बचा हुआ है, एक तो आपका हो गया विंबलडन ओपन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड एक लास्ट जो बचा हुआ है वो है यूएस ओपन। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है विंबलडन ओपन। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है विंबलडन ओपन, जो थर्ड नंबर है वो है, दिख रहा होगा आप लोग, थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं, विंबलडन ओपन। इसमें मेंस में जो जीते हैं वो नोवाक जोकोविच ही है, सर्बिया के हैं। और ये रनर अप कौन रहा है? तो रनर अप जो रहा है उनका नाम है मैटियो बैरेंटिनी। और ये किस कंट्री के हैं? इटली। मेंस में नोवाक जोकोविच, और किसको रहा है? मैटियो बैरेंटिनी को। और मैटियो बैरेंटिनी किस कंट्री से? इटली। और इटली के बारे में मैं पहले ही बता दिया, इटली का जो कैपिटल है वो रोम है। इटली का करेंसी क्या है? यूरो। इटली का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारियो द्रागी। और इटली के प्रेसिडेंट कौन है? तो सेरिजियो मैटरेला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। वोमेन्स, वोमेन्स में जो विनर है उनका नाम है एस्टे बार्टी। एस्टे बार्टी किस कंट्री से? एस्टे बार्टी तो ये है ऑस्ट्रेलिया से। और ये फाइनल में किसको हराई है एस्टे बार्टी? तो कैरोलिना प्लिस्कोवा। कैरोलिना प्लिस्कोवा। और ये किस कंट्री से है कैरोलिना प्लिस्कोवा? तो चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के कैपिटल क्या है? तो चेक रिपब्लिक का कैपिटल है प्राग, और चेक रिपब्लिक के जो करेंसी क्या है? कोरुना। तो यहां तक आपको याद होगा, मैंने समझ में आ गया होगा, विंबलडन ओपन मेंस में नोवाक जोकोविच, और रनर अप रहे मैटियो वैरेंटिनी। ये रनर अप है, ठीक है, मैटियो वैरेंटिनी इटली के, और वोमेन्स की बात करें तो एस्टी बार्टी ऑस्ट्रेलिया के, और ये कैरोलिना प्लिस्कोवा। और लास्ट, आज का जो लास्ट है वो है यूएस ओपन। यूएस ओपन, और यूएस ओपन में जो जीते हैं वो है डेनियल मेडवेडेव। ये किस कंट्री से हैं? रसिया। डेनियल मेडवेडेव है, और ये फाइनल में किस कोई कौन आ रहा है? तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं। यहां तक क्लियर हो गया? यूएस ओपन डेनियल मेडवेडेव रसिया के, और फाइनल में जो किस पर है? सर्बिया को। इसके बाद ये मेंस की बात है, वोमेन्स,
वोमेन्स में जो जीती है उनका नाम है इमा रेडुकानू, रेडी कानू। और ये किस कंट्री से है? तो ब्रिटेन से है। और ये किसे हराई है इमा रेडुकानू? तो लेल फर्नांडिस, लेल फर्नांडिस। किस कंट्री से लेल फर्नांडिस? कनाडा। अगर ये ना दिख रहा हो तो स्पेलिंग है LELHY फर्नांडिस, लेल फर्नांडिस, ये कनाडा के हैं। ठीक है, अगर ये ना दिख रहा हो आपको तो मैं बता देता हूं, लेल फर्नांडिस कनाडा के हैं। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फिर से बार बताता हूं, विंबलडन ओपन मेंस में नोवाक जोकोविच, और आइए किसको? मैटियो वैलेंटिनी को। वोमेन्स में जो विनर है उनका नाम है एस्ली बार्टी ऑस्ट्रेलिया के हैं, और एक कैरोलिना प्लिस्कोवा रनर अप। यूएस ओपन की बात करें तो डेनियल मेडवेडेव विनर और नोवाक जोकोविच रनर अप। वोमेन्स की बात करें तो इम्मा रेडुकानू जो कि ब्रिटेन से है और लेल फर्नांडिस कनाडा से है। तो ये रहा पूरा आपका करेंट, पूरा मतलब ग्रैंड स्लैम ऑफ लॉन टेनिस जो होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इससे एग्जाम में आने की संभावना 100% रहती है। अगर कोई हाल ही में अपडेट होता है तो हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मुझे लगता है जहां तक कि वो जो फर्स्ट था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें थोड़ा सा चेंजेस वगैरह हम लोग को मिल सकता है देखने को, या फिर फ्रेंच ओपन में, तो उसको हम लोग को अपडेट कर लेंगे, और बाकी सारा सेम ही होगा। तो पढ़ा रहेगा तो हमें दिमाग में रहेगा, कंसेप्ट बना रहेगा, तो इसलिए मैंने पूरा पढ़ा दिया। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, आज ही मैं शुरू कर दे रहा हूं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 5 कैटेगरी में दिया जाता है, और ये हर साल 29 अगस्त को दिया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 29 अगस्त को इस कारण दिया जाता है क्योंकि उस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। और इसमें जो 5 कैटेगरी है वो कौन कौन है? तो ये ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उसके बाद है दूसरा जो है वो द्रोणाचार्य अवार्ड, तीसरा है अर्जुन अवार्ड, चौथा है आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड, पांचवा है आपको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक, इतना आपको, और एक और है ध्यानचंद खेल पुरस्कार, और वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न था और ये ध्यानचंद खेल पुरस्कार है। तो आज, अच्छा इसके बाद मैं बता दूं कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो पिछले 4 साल से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो करते हैं स्पोर्ट्स में उन्हें दिया जाता है, और इस साल टोटल 25 लोगों को, 12 लोगों को दिया गया है, और इसमें टोटल 25 लाख रुपये इनामी राशि दी गई है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनके सिलेक्शन कौन करता है, तो इसके लिए कमेटी है, और इस कमेटी का जो हेड है वो है कमेटी का हेड मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बता देता हूं थोड़ा देर में, अगर मुझे याद आता है तो पहले हम लोग इसको, अगर आप नोट डाउन किए तो नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड पे। किसी कारणवश नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड आज हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लॉन टेनिस के बारे, ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस के बारे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो भी मैं बताया नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड उसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जिससे रिकॉर्डिंग हो रहा है उसका बैटरी डाउन हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन, ये करेंट अफेयर्स का जो नोट्स है वो पहुंच सके। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं डेली करेंट अफेयर्स के लिए, या फिर किसी तरह का अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन से रिलेटेड, या फिर कुछ भी, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, जिसका व्हाट्सएप नंबर है 8674841612। आप इस नंबर पे SMS करेंगे, एक बार फिर से डाउन कर ले, नोट डाउन कर ले, 8674841612। तो आप लोग इस पर मैसेज कीजिएगा कि आपका क्या नाम है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और आप किस चीज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इसके बाद आपको टाइटेनियम एकेडमी के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहां से आपको डेली नोटिफिकेशन, डेली करेंट अफेयर्स वगैरह अपडेट मिलते रहेंगे। तो ये तो रहा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज। इसके साथ ही हम लोग जो काम कर रहे हैं वो आपको मंथली करंट अफेयर्स भी काम चल रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ से आपको वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा।
तो वीक में चार करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही लास्ट में सारे का समा मंथली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो करंट अफेयर से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, टाइटेनियम एकेडमी आपके साथ है। करंट अफेयर्स पूरे अच्छे से आपको यहां से सिर्फ टाइटेनियम एकेडमी मैं पहले भी कहता हूं कि हमारे वीडियो में क्वालिटी नहीं है लेकिन हमारे कंटेंट में क्वालिटी है। हमारे वीडियो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर वीडियो वगैरह क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं समझ सकता हूं क्लियर नहीं दिखने का कारण रीजन यह है कि हमारे पास उतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो कंटेंट में हमारा दम होता है, वीडियो क्वालिटी पे हम लोग ध्यान ज्यादा नहीं देते हैं। जब होगा कभी तो देखा जाएगा वीडियो क्वालिटी पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।